तनाव के बावजूद क्यों बढ़ रहा है भारत चीन व्यापार? सैनिकों में झड़प, व्यापार में बढ़त, चीन के पक्ष में क्यों है व्यापार असंतुलन? भारत चीन विवाद और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई और झड़प जैसी वारदातों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। चीन के कस्टम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल दोनों देशों के बीच 8.4% की वृद्धि के साथ व्यापार 135.98 अरब डॉलर पहुंच गया। इसके साथ ही भारत का व्यापार घाटा भी 100 अरब डॉलर के नए स्तर को पार कर गया। साल 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 125.62 अरब डॉलर था। पिछले साल भारत को होने वाले चीनी सामान के निर्यात में 21.7% की वृद्धि हुई है और ये 118.5 अरब डॉलर हो गया है। सवाल ये उठता है कि चीन भारत तनाव, लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों का जमावड़ा और पहले गलवान और उसके बाद तवांग के यांगत्से में सैनिकों की झड़प के बीच दो तरफा व्यापार कैसे बढ़ रहा है? इसका बड़ा कारण ये है कि भारत के कई व्यवसायी कच्चे माल, इंटरमीडिएट उत्पाद या उपकरणों के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर हैं। उन्हें चीन से आयात करना ही होता है। साल 2022 में भारत ने चीन से करीब 3000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है। इसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन और दूसरी कई चीजें शामिल हैं। इसके अलावा भारत जो दवाएं बनाता है उनका कच्चा माल API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चीन से ही आयात करता है। भारत चीन को बड़े पैमाने पर कॉटन, आयरन एंड स्टील, आर्टिफिशियल फूल, अयस्क, स्लैग, राख और ऑर्गेनिक केमिकल बेचता है। नतीजा ये है कि दोनों देशों के बीच का व्यापार का घाटा बहुत ज्यादा है। ये चीन के पक्ष में है और बढ़ता ही जा रहा है। साल 2021 में भारत का व्यापार घाटा 101.02 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है, जबकि 2021 में ये आंकड़ा 69.38 अरब डॉलर था। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर पहुंचा है, जिसे भारत लगातार कम करने की कोशिश करता रहा है। व्यापार घाटा बढ़ने का एक बड़ा कारण मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट, कंप्यूटर और उसके कलपुर्जे हैं। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के भारतीय कंपनी मेदांता के साथ मिलकर सिलिकॉन चिप बनाने का कारखाना लगाने का फैसला किया है। इसके बन जाने पर भारत में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और तब चीन से आयात में कमी आ सकती है। लेकिन उस समय तक चीन इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका होगा और भारत उसका आयात करने लगेगा। इसके लिए जरूरी है कि भारत में इलेक्ट्रिक कार का उद्योग विकसित किया जाए। ये काम भारत में हो रहा है, पर बैटरी बनाने में लगने वाला लिथियम का बहुत बड़ा भंडार भारत में नहीं है। इसके लिए उसे चीन पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इन कारणों से भारत चीन व्यापार बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है व्यापार असंतुलन।